कि हमास एक आतंकवादी संगठन तो कत्लेआम मचा दिया इसराइल में, उस हमास के आतंक के खिलाफ एक शब्द नहीं है विपक्ष के पास। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, दो देशों का झगड़ा है, राजनीति हमारे देश में हो रही है। भाजपा पार्टी के नेता है जावेद अली खान, वो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री हमारी विदेश नीति को बदल दिया है, उन्होंने इसराइल की गोद में जाकर बैठ गए। वो दोनों तरफ से निंदनीय है। बहुत अच्छा हुआ आप अपने एजेंडे पर आ गए, बहुत देर तक आप कवर अप नहीं कर पाए। इस तरह की घटना हमास ने की, हमने निंदा की। रुकने लगे आप, मुझे बयान मेरी बात तो पूरी हो जाए, आप मुझे हमास की निंदा वाला बयान आप चिल्लाने लगे। भाई आप किसको बेवकूफ समझ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप दर्शकों को बेवकूफ बना लेंगे? क्योंकि आप सवाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है एंकर रोमाना खान और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब से इसराइल ने हमास को ख़त्म करने की कसम खाई है तब से भारत में भी कुछ लोगों को दर्द होने लगा है। अब दोस्तों समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने तो प्रधानमंत्री के इसराइल का सपोर्ट करने वाले बयान का ही विरोध कर दिया है। तो दोस्तों इसी को लेकर डिबेट है, डिबेट बड़ी मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस बात को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त हैरान और परेशान है कि हमास एक आतंकवादी संगठन तो कत्लेआम मचा दिया इसराइल में, उस हमास के आतंक के खिलाफ एक शब्द नहीं है विपक्ष के पास, क्यों? देखिए कमाल की बात इस देश के अंदर में आजकल हो गई है। दो देशों का झगड़ा है, जो हमास ने किया वो भी बहुत निंदनीय है, जो इसराइल कर रहा है वो भी निंदनीय है, वहाँ भी चिथड़े उड़ा रहे हैं, वो भी मानवता की हत्या हो रही है, इंसानियत की हत्या हो रही है, दोनों तरफ से हुआ है। लेकिन हम देश इंडिया में देखिए किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दो देशों का झगड़ा है, राजनीति हमारे देश में हो रही है। क्या ये राजनीति अमेरिका में हो रही है? क्या ऐसी राजनीति यूके में हो रही है? क्या ऐसी राजनीति और किसी देश में हो रही है जैसे राजनीति हमारे देश में हो रही है? भारतीय जनता पार्टी को दो देशों का झगड़ा, मानवता की हत्या हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, जिम्मेदारी बनती है पूरे वर्ल्ड की, कुछ देश में झगड़ा ना हो पाए, लोगों की हत्या ना हो पाए, हजारों हजार लोग मारे जा रहे हैं, और राजनीति कहाँ हो रही है? हमारे हिंदुस्तान में। अरे हमारी अपनी समस्याएं हैं, हम अपनी समस्या पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे भाई? हिंदुस्तान तो की समस्याओं से पार्टी के नेताओं को समझा देते ना, यासिर शाह से लेकर जावेद अली तक, आपके पार्टी के नेता है ना, समाजवादी पार्टी के नेता, कमाल की बात कर रहे हैं। समझा देते अभी यहाँ पर बैठकर जिस तरीके का बैलेंसिंग एक्ट अनुराग भदौरिया कर रहे हैं, ये जरा सा बैलेंसिंग एक्ट, ये संतुलन बनाने की कला सर, भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ दीजिए सर, वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, अपनी पार्टी से शुरू कर लेते हैं, अपने दल की नेताओं को पहले समझा देते, उन्हें नहीं समझा पा रहे हैं ये भारतीय, उन्हें नहीं समझा पा रहे हैं क्या? सुन तो लीजिए, ये आप समझ, भारतीय जनता सुन तो लीजिए, आप सुनिए क्यों चिल्ला रही हैं आपको, आप बीजेपी के एजेंडा से कुछ नहीं होने वाला, आपके चिल्लाने से क्या देश बदल जाएगा? आपके चिल्लाने से बीजेपी का एजेंडा है क्या? समाजवादी पार्टी के नेता है जावेद अली खान, वो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री हमारी विदेश नीति को बदल दिया है, उन्होंने इसराइल की गोद में जाकर बैठ गए, वो ये समाजवादी पार्टी के नेता का बयान, ये समाजवादी पार्टी के नेता का बयान है, कौन सी विदेश नीति बदली गई है? चिल्ला लिया, अगर हमास के आतंकवाद की निंदा की जाती है और इस मुश्किल वक्त में इसराइल के साथ खड़े होते हैं हम, तो क्या ये इसराइल की गोद में जाकर बैठने की बात है? आपका डायलॉग चिल्लाने वाला खत्म हो गया तो प्लीज जवाब दीजिए। आपने चिल्ला लिया, आपका डायलॉग खत्म हो गया तो जवाब दीजिए। हो गया, चिल्ला लिया, आपका डायलॉग खत्म हो गया तो जवाब दीजिए सर, टाइम मत वेस्ट कीजिए। आपका एजेंडा पूरा हो गया तो जवाब दूं चिल्लाने के बाद? अरे भाई मेरे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? सवाल पूछने के बाद तीन बार चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैं जवाब दे रहा हूं ना, मैंने कहा यही जो मैं बताना चाहता था, आपको बोला गया आप चिल्लाइए, चिल्ला चिल्ला के सवाल पूछिए, चिल्ला चिल्ला के आप ऐसा माहौल बनाइए जैसे कि पता नहीं क्या हिंदुस्तान में दिक्कत हो गई है। अपनी समस्या का समाधान करना चाहिए। हिंदुस्तान ने जो काम किया है हिंदुस्तान के पहले, अगर मैं यही सवाल पूछूं कि तो आपसे पूछूं क्या गांधी जी गलत थे? यही सवाल पूछा जाए तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी गलत थे? यही सवाल पूछा जाए विदेश नीति क्यों हमेशा बदलती रहती है? हम उसमें जाने नहीं चाहते। हम कह रहे हैं कि जो इस तरह की हत्याएं हो रही है निंदनीय है, दोनों तरफ से निंदनीय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के मुद्दा बनाना चाहती है, बहुत देर तक आप कवर अप नहीं कर पाए, आप मुद्दा बनाना चाहते हैं, ढाल बनाते हुए आप अटल बिहारी वाजपेयी के बयान से लेकर देश की विदेश नीति तक सबको ले आए। इसराइल को लेकर जिस तरीके की दूरी विपक्ष की तरफ से अपनाई जा रही है, हमास को लेकर जिस तरीके की चुप्पी विपक्ष की तरफ से साधी जा रही है, और फिलिस्तीन को आगे कर दिया जा रहा है, ये चक्कर क्या है सर? कहीं ऐसा तो नहीं कि वोट बैंक साधने की मजबूरी है? देखिए देखिए मैं
देखिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो आप गुस्से में नहीं आ रही थी, वैसे जब मैं बोलूँगा तब आप नहीं आएंगी, क्योंकि आप भाषण देना शुरू कर देती है तो मेरी हम अपनी बात नहीं कह पाते। देखिए सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल हमेशा से रहा है जब हमारे देश के अंदर में मणिपुर में जिस तरह की घटना हुई थी, जिस तरह से हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय हुआ था, हमने आवाज़ उठाई थी, क्योंकि हम इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी इस तरह का अन्याय होता है उसके खिलाफ होते हैं हम समाजवादी लोग। अगर जिस तरह की घटना हमास ने की हमने निंदा की, इसराइल भी वही घटनाएं कर रहा है, दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की मार काट कर रहे हैं, हम इसके फेवर में कभी नहीं है, हम सत और अहिंसा पे चलने वाले लोग हैं, गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, इस तरह की हिंसा को बढ़ावा हम कभी नहीं देते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अब फिर आप मेरी बात पूरी नहीं होने लगे, आप टुकने लगे, आप मेरी बात तो पूरी हो जाए, आप मुझे हमास की निंदा वाला बयान बता, आप चिल्लाने लगे भाई, अरे मेरी बात नहीं पूरी होने लगे, आपको क्या दिक्कत है सर, दिखाइए ना बयान कहां है, मुझे कितने देर तक बोलना है। और सर सवाल ये है कि विदेश नीति को लेकर आप भारत सरकार के साथ हैं या नहीं, ये साफ कर दीजिए स्टैंड, विदेश नीति को लेकर हो गया ना आपकी बात, हो गई, अरे हो गई ना, कमाल है, इतनी गुस्सा आपको बीजेपी के प्रवक्ता पे नहीं आया, कमाल कमाल, इतनी गुस्सा अगर बीजेपी के प्रवक्ता आपने उठाई होती कि मणिपुर की घटना जिस तरह से बहन बेटियों के साथ अन्याय हुआ क्या किया तुमने, इतनी गुस्सा आप दिखाते तो मुझे मेरे अच्छा लगता कि आप बीजेपी पे गुस्सा हो रहे थे, अब मैं बोल रहा हूं तो आप चिल्लाना शुरू कर देते, मुझे बोलने तो दीजिए, एक मिनट दो मिनट, अरे मैं अपनी राष्ट्र की बात करता हूँ, अपनी देश की बात करता हूँ, मैं रोज बहस हमें अपनी चिंता देश नहीं है, देश के लोग अनुराग भदौरिया को यहाँ पर बुलाओ, मुझे बोलने दीजिए, अनुराग भदौरिया से सर्टिफिकेट, मुझे बोलने तो दीजिए, फिर आप चिल्लाने लगे, आपको बुलाया है सर, सवाल मेरा सुन लीजिए, मेरे ऊपर चिल्लाने से आपका विदेश नीति के मुद्दे पर या नहीं है, आपके नेता क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं सर, कि इसराइल की गोद में जाकर बैठ गए, क्यों दे रहे हैं ऐसे बयान, सवाल हो गया, जवाब है, अब इसके अंदर में हमारी अपनी समस्या है, राष्ट्र हमारी जिस तरह से जिन समस्याओं से जूझ रहा है वो मेरी चिंता की बात है, और जो झगड़ा इसराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा हो रहा है वो आपस में मारकाट कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, हम कहते हैं वर्ल्ड के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे देश में जिस तरह से टीवी डिबेट कराई जा रही है, आप जैसे लोग जो टीवी डिबेट करा रहे हैं, जो एक एजेंडा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, क्या अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, क्या अमेरिका में ऐसी टीवी डिबेट हो रही है, क्या यूके में ऐसी टीवी डिबेट हो रही है, या दूसरे देशों में हो रही है जितने हमारे देशों में हो रही है, पार्टी जैसे बयान क्या, किस बात के लिए हम दे रहे हैं, हम ये मानता है हमारी देश की विदेश नीति को आप बीजेपी का एजेंडा करार दे रहे हैं, और आप यहाँ पर शूट द मैसेंजर वाली पॉलिसी अपनाकर मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और मैं पलटकर आपसे सवाल ना पूछूं, आप किसको बेवकूफ समझ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप दर्शकों को बेवकूफ बना लेंगे, क्योंकि आप सवाल ही तो पूछ रहे हैं, तब से बोलने कहां दे रहे हैं, आप खुद ही बोलते हैं कि मुझे कटघरे में बीजेपी का एजेंडा करा देते हैं, मैंने नहीं बोला, आप खुद ही कह रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं, आओ मुझे कटघरे में खड़ा करो, अरे आप सवाल पूछना अलग चीज है, भाषण देना अलग चीज है, सवाल और भाषण में फर्क होता है, सबको लेकर आइए यहाँ पर, मुझे इस तरीके की डिबेट नहीं करनी है, जहाँ देश की संप्रभुता का मामला है, देश की विदेश नीति का मामला है, वहाँ पर भी इन्हीं की पार्टी के नेता है, और वो देश की विदेश नीति को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, और फिर यहाँ पर आकर ये लोग कहते हैं कि साहब आप एजेंडा चला रहे हैं। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आप इसराइल के सपोर्ट में हैं तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, और कमेंट्स में जरूर लिख के जाना वी स्टैंड विद इसराइल। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।